नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी भी मैं PDF आपको बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। तो आपको बता दूँ, पहला है इसमें महिला ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो आपको बता दूँ, इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने या ग्रामीण आजीविका में सुधार और समग्र कल्याण में महिलाओं और लड़कियों को महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को दिन की स्थापना की और 2008 में पहली बार मनाया गया, यानी 18 दिसंबर को इसकी उसने स्थापना की। हाल ही में किस विभाग में भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया? पारिवारिक विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, हुमांग विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो वन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है जैव प्रौद्योगिकी विभाग हो सकता है। इस कार्यक्रम में भारत के एक नस्ल के दूसरी नस्ल को संक्रमित करने वाले जीवाणु संबंधी वायरल एवं और परजीवी से होने वाले संपूर्ण संक्रमणों की निगरानी करने की परिकल्पना की गई थी। तो इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इस संघ में DVBT राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के नेतृत्व में 27 संगठन शामिल है इसमें। अगला है T20 के सभी प्रारूप में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ये पहले भी पूछ चुका हूँ मैं, रिपीट है। हाल ही में किस राज्य में विकसित न किया गया भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ईवोटिंग समाधान किया गया? केरल, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब है इसका तेलंगाना। तेलंगाना ने COVID-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। ई वोटिंग का मतलब हो गया जो चुनाव होंगे वो ई वोटिंग के माध्यम से होंगे। इस तरीके से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ विकसित किया है। हाल ही में किसको कर्नाटक बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? प्रदीप कुमार, सोनू सदी, राजेश सोनी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है प्रदीप कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 नवंबर 2021 से प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। प्रदीप कुमार पांजा 3 साल की अवधि के लिए सेवा देंगे। तो जयराम भट्ट के स्थान लेंगे वह पी जयराम भट्ट का स्थान लेंगे। कार्यकाल 13 नवंबर 2021 को समाप्त होगा। हाल ही में किस सरकार ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु। मणिपुर। मणिपुर ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की। तो आपको बता दूं, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 17 सितंबर को की थी। इस योजना के तहत राज्य भर में घर घर जाकर स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। मरीज के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए जन औषधि दवाएं भी मिलेंगी। गंभीर और पुरानी बीमारी वाले मरीजों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अजय सिंह, ऑलरेडी इसका आंसर दिया ही हुआ है, एक्सिस बैंक के MD अमिताभ चौधरी हैं। RBI ने इनको घोषित किया है। तो इनका कार्यकाल है ना 13 दिसंबर 2024 तक चलेगा, 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। अमिताभ चौधरी ने SDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में काम किया है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। हाल ही में यूको बैंक के प्रमुख अध्यक्ष नियुक्त किए गए राजेश ए के गोयल, रोशन का इनमें से कोई नहीं। ए के गोयल को UK का, ध्यान रखिएगा। उसका एक्सिस बैंक का कौन है? अमिताभ चौधरी, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राजीकरण राजी का स्थान लिया है उन्होंने, राज किरण राय जी का। और दूसरी चीज बता दूं, IBA भारत में कार्यरत भारत के बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है।
इसका मुख्यालय मुंबई में है। एनएसजी का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो सही जवाब है 16 अक्टूबर। भारत में 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन एनएसजी की स्थापना की 37वीं वर्षगांठ पर प्रकाश डालता है। जिसे ब्लैक किड्स, ध्यान रखिएगा, ब्लैक किड्स के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी का आदर्श वाक्य सर्वोत्तम सुरक्षा है। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को भी, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति ने कुलीन नैना हड़ताली बल की स्थापना के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद एनएसजी अस्तित्व में आया। हाल ही में किस सेना माई पार्किंग सैप लॉन्च किया गया है? किसने? सूरज, मणि त्रिपाठी, अनुराग ठाकुर। तो सही जवाब है अनुराग ठाकुर। बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनको तो आपको याद ही हो जाएगा दोस्तों। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 14 अक्टूबर माई पार्किंग्स ऐप लॉन्च किया। मंत्री ने नई दिल्ली में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में महापौर मुकेश सुरेन की उपस्थिति में ऐप का शुभारंभ किया गया। पार्किंग स्थलों और उनकी प्रबंधन को डिजिटलाइज करने के प्रयास से माई पार्किंग्स एप्लीकेशन का निर्माण हुआ है। आपको बता दूं, ब्रिटेन के किस सांसद को की चाकू मारकर हत्या कर दी गई? डेविड एमेज, मैक्सवेल, मुरा सिकटा, इनमें से कोई नहीं, डेविड एमेज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस एना जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जो थे डेविड एमेस की चर्च में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल 69 साल के सांसद को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के समय में वे अपनी चुनावी जिलों में मतदाताओं के साथ चर्च में मीटिंग कर रहे थे। डेविड एमेस ने पूर्वी इंग्लैंड के एक्सिस में साउथ एंड वेस्ट का प्रतिनिधित्व करते थे। हाल ही में किस शहर में पहली बार शुरू होगी रोपवे सेवा? जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है सार्वजनिक परिवहन के रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। कुल मिलाकर वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा। रोपवे परियोजना की लागत 424 करोड़ रुपये है। 4.2 किलोमीटर की कुल दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।